देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, जल्दी से बताइए। राजस्थान का लोक देवता जब हम पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था ये। किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, आंसर दीजिए जल्दी से। एक भी आंसर नहीं आया है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जीण माता। जीण माता का गीत राजस्थान में सबसे लंबा है। यदि लोक देवता की बात करें, किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? लोक देवता की बात करें तो देवनारायण जी, देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, ठीक है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनफटे जोगी, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? जीण माता, नागनीची माता, शीतला माता या फिर सकराय माता, बताइए। कनफटे जोगी जो होते हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए सेशन को। तो यहां पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीण माता हो जाएगा। कनफटे जोगी, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता की आराधना करते हैं, जीण माता के गीत गाते हैं। ये जो गीत होते हैं वो करुण रस से ओतप्रोत होते हैं। माथे पर सिंदूर लगाकर, केसरिया कपड़े पहनकर ये गीत गाए जाते हैं कनफटे जोगियों के द्वारा, ठीक है। नागनेची माता सेकेंड ऑप्शन, राठौड़ों की कुल देवी है, 18 हाथों वाली देवी है। शीतला माता का मंदिर चाकसू में है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, जस्ट बताया था मैंने, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग 4-5 बार। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 हाथों वाली देवी किसे कहा जाता है? नागनेची माता को कहा जाता है, 18 हाथों वाली देवी। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी ये मानी जाती है नागनेची माता, 18 भुजाओं वाली है। बीकानेर के रजस्वी संस्थापक थे राव बीका, उन्होंने इसकी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी? राव बीका ने प्रतिमा स्थापित करवाई थी नागनेची माता की, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का सम्मान